हेलो एवरीवन वेलकम टू इकोनॉमिक्स बाय वन अर्पिता सो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ फी रेनेस मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ दैट वाज गिवन इन 1964 सो जो फी रेनेस मॉडल है इकनॉमिक ग्रोथ का दैट इज़ अ डूल इज अ मॉडल जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर भी होता है और इंडस्ट्रियल सेक्टर भी होता है एंड दिस इज डिवेलप बाय जॉन सी एच फी एंड गोस्तर्व रेनेस एंड दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ लूस मॉडल इसे हम सॉपलस लेबर मॉडल भी बोलते हैं सो so, ये मॉडल जो है वो ये चीज़ सजेस्ट करता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो तभी होती है अगर एग्रीकल्चर सेक्टर का जो सोपलस लेबर है वो ट्रांसफ़र होता है टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर जहाँ पे प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है नाउ द अमाउंट ऑफ लेबर जो शिफ्ट होता है फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रियल सो देर इज़ अ टाइम ऑफ शिफ्टिंग वो डिपेंड करता है अलग अलग चीज़ों के ऊपर फर्स्ट इज ग्रोथ ऑफ द सर्प्लस जनरेटेड विद इन द एग्रीकल्चर सेक्टर और ग्रोथ इंडस्ट्रियल कैपिटल स्टॉक की क्या है दैट इज डिपेंड ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रॉफिट सेकेंड इज़ द नेचर ऑफ द इंडस्ट्रीज टेक्निकल प्रोग्रेस एंड थर्ड इज़ द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ठीक है नाउ देर थ्री फंडामेंटल आइडियाज़ जो कि यूज करते हैं हमें मॉडल के अंदर फर्स्ट इज एग्रीकल्चर ग्रोथ और इंडस्ट्रियल ग्रोथ दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है सेकेंड एग्रीकल्चर ग्रोथ और इंडस्ट्रियल ग्रोथ दे शुड बी बैलेंस्ड और अगर जो रेट एट विच लेबर जो शिफ्ट हो रहा है फ्राम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रियल सेक्टर वो अगर ज़्यादा है फ्राम द रेट ऑफ़ द ग्रोथ ऑफ़ द पॉपुलेशन तो इकोनमी जो है वो अपने आप को मालताज पॉपुलेशन ट्रैप से बाहर निकाल पाएगा वो तभी पॉसिबल है जब जो रेट है लेबर का शिफ्ट फ्रॉम द एग्रीकल्चर इज ग्रेटर जो एग्रीकल्चर से जो लेबर शिफ्ट हो रही है टू द इंडस्ट्रियल दैट इज़ ग्रेटर टू द रेट ऑफ द पॉपुलेशन से ज़्यादा है तभी वो इकोनमी जो है अपने आप को मालतास पॉपुलेशन ट्रैप से बाहर निकाल पाएगा ठीक है ना देर इज़ अ ग्रोथ टूल विच इज़ द जनरेशन ऑफ एग्रीकल्चर सरप्लस सो फर्स्ट इज फर्स्ट स्टेज ऑफ फी एस मॉडल जो है वो बहुत सिमिलर है जैसे लूएस मॉडल होता है वैसे ही डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो तब आती है जब सॉप्लस लेबर जो है दैट इज़ परफेक्टली लास्टिक मतलब जो सॉप्लस लेबर का कर्व है दैट इज़ हॉरिजॉन्टल टू द एक्स एक्सेस वहाँ पे मार्जर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जो होती है वो जीरो होती है मतलब फालतू में ही इतने सारे लोग एक एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर काम कर रहे हैं इतने लोगों की रिक्वायरमेंट भी नहीं है तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जब ऐसी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है तो देर शुड बी अ शिफ्ट और ट्रांसफर ऑफ सौ लेबर जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में है दैट शुड बी ट्रांसफर टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर एट अ कॉन्स्टेंट इंस्टीट्यूशनल वेज ठीक है सेकेंड स्टेज ऑफ फीर एन ए स्मॉल जो है दैट इज जब एग्रीकल्चर वर्कर जो हैं दैट एड टू द एग्रीकल्चर आउटपुट बट वो प्रोड्यूस करते हैं बहुत कम देन द इंस्टीट्यूशनल वेज जो उन्हें मिलती है दूसरे वर्ड्स में अगर बात करें सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर सरप्लस जो है वो एग्जिस्ट करती है वहाँ पर जहाँ पर एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर वो ज़्यादा होता है दैन मॉनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बट इट इज़ नॉट इक्वल टू द सबसिस्टेंस या इंस्टीट्यूशनल वेज के बराबर नहीं होता एवरेज प्रोडक्टिविटी जो है वो ज़्यादा होती है मार्जर प्रोडक्टिविटी से सो so अकॉर्डिंगली ऐसी डिजगाइड अनएम्प्लॉयमेंट जो है दैट हैव टू बी ट्रांसफर टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर ठीक है थर्ड जो होती है दैट इज़ थर्ड स्टेज ऑफ रेनिस फी मॉडल दैट इज़ द टेक ऑफ सिचुएशन जो कि आ जाती है टू दैट कम्स टू एन एंड जहाँ पे दैट बिगिन विद द एयर ऑफ सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ जहाँ पे फार्म वर्कर्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं ज़्यादा दैन द इंस्टीट्यूशनल वेज दे गेट जितना इंस्टीट्यूशनल वेज नहीं मिलता उससे ज़्यादा उनकी प्रोडक्टिविटी होती है तो ऐसे स्टेज जो होता है दैट इज़ वहाँ पे जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है द सप्लस लेबर कम्स टू एन एंड और एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है दैट बिकम्स कमर्शियलाइज्ड ठीक है दैट इज देयर लेट सी द ईयर क्वेश्चन दैट वर आज रिलेटेड विद दिस टॉपिक दिस वॉज अ क्वेश्चन दैट वॉज आज इन टू थाउजेंड सेवेंटीन जनवरी पेपर थ्री द क्वेश्चन इज रेनिस फी थियरी ऑफ इकोनॉमिक डिवेलपमेंट इज बेस्ड ऑन किसके ऊपर बेस्ड है डुअलिज्म अप्रोच ऑफ डिवेल्पमेंट सही है एग्रीकल्चर सेक्टर भी होता है और इंडस्ट्रियल सेक्टर भी होता है सेकेंड प्रेजेंस ऑफ डिस्गइज अनएम्प्लॉयमेंट दैट इज ऑल्सो करेक्ट थर्ड इंपॉर्टेंस होती है एग्रीकल्चर डिवेलपमेंट की सो ऑल ऑफ द बाव इज़ अ करेक्ट ऑप्शन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन दिस वॉज अ क्वेश्चन दैट वॉज आज इन टू थाउजेंड सेवनटीन जनवरी पेपर थ्री द क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट गिविन दिस मॉडल बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर सो अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर किसने कॉन्सेप्ट दिया है रेनेस फी ने दिया है सो दैट्स अ करेक्ट थिंग लूस ने भी दिया है सो so, लूस का एक्सटेंशन ही है रेनिस् दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट जो मृनाल हैं दैट इज माल मनाड उन्होंने नहीं दिया सो so, फोर्थ जो है वो सही हो जाता है यही पूछ रहा होता किसने नहीं दिया द कॉन्सेप्ट ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर सो so, यही चीज़ है लूइस के अंदर हमने पढ़ा था अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर इट्स अ करेक्ट थिंग जो फी एनस है दैट इज ऑल्सो एक्सटेंशन ऑफ लुइस मॉडल एंड जॉर्जसन के अंदर डिवेलपमेंट है और डूलिज्म इन द लेस डिवेलप्ड कंट्रीज जहाँ पे वो रिजेक्ट कर देते हैं अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर को और रज्यूम करते हैं कि जो सॉपुलस लेबर है वो एग्जिस्ट करता है सिर्फ रूरल एरियाज के अंदर और फोर एम्प्लॉयमेंट रहती है अर्बन एरियाज के अंदर तो उसके अंदर भी बात हुई हुई है इस चीज़ की सो so, अकॉर्डिंगली कौन सा सही ऑप्शन है दैट इज़ गुरुनल मनाड ठीक है आई होप आपको अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा अबाउट दिस रेनिस फी थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय